हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट फैशन कलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुलकारी के सूट या दुपट्टे को आप अलग अलग तरह अलग अलग ड्रेसेस के साथ कैसे कैरी कर सकते हैं। तो फुलकारी जो है वो इंडियन ड्रेसेस में, स्पेशली पंजाबी ड्रेसेस में बहुत अच्छे से कैरी की जाती है, यूज़ की जाती है, ख़ास करके जो फंक्शंस होते हैं शादी के उसमें इसका बहुत, पंजाबी जो मैरिजेज होती हैं उनमें ये बहुत अच्छे से अपने सूट किसी भी ड्रेस के साथ लोग कैरी करना पसंद करते हैं। तो इसको एक मॉडर्न लुक के साथ अलग अलग ड्रेसेस के साथ कैसे कैरी कर सकते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फुलकारी को आप पंजाबी सूटों के साथ ही कंट्रास्ट में नहीं कैरी कर सकते, इसको आप लेगिंग के साथ, कुर्ते के साथ एक अच्छे से तरीके से अगर कंट्रास्ट करके आप उसको लेना चाहें तो उससे भी एक बहुत अच्छी लुक देती है। इसको आप कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर दोनों तरीके से वेयर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको फुलकारी का दुपट्टा भारी लेते हैं या हल्का। हर तरह का जो दुपट्टा है वो मार्केट में अवेलेबल है, जैसा भी आप लेने चाहें वो ले सकते हैं। उसके साथ ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो जैसी भी करने चाहें, सबसे ज़्यादा अच्छा अगर आप मैरिज फंक्शंस में ये पहनना चाहते हैं तो वो चलेगा आपको। आप प्लेन सूट के साथ एक हैवी फुलकारी का दुपट्टा लो और उसको किसी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अपना किसी भी तरह भी ड्रेस पहनी है, किसी भी तरह की कोई हैवी ड्रेस फंक्शन के लिए ली है, तो उसके साथ अगर आप सिंपल एक दुपट्टा कंट्रास्ट में भी कैरी करते हैं फुलकारी का, वो भी बहुत अच्छे से जाएगा। इसके अलावा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर फुलकारी का आप शर्ट भी बनवा लेते हैं या ऐसे पैच वर्क करवा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं। और उसके साथ पंजाबी जुत्ती एक्सेसरीज जो पायल वगैरह वो डाल के बहुत अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस ड्रेस दोनों में उनको मॉडर्न लुक देने के लिए गर्ल्स जो है ये एक ट्रेडिशनल लुक, ट्रेडिशनल इस फुलकारी को एक न्यू लुक में भी इसको यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि इन अलग अलग मैंने ड्रेसेस में आपको दिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।